भैया लोगन तो जैसे देखत बड़ा यार अभी खियावत बड़ी कन्या के और एक बात देखा थोड़ी है कौन सीन बा इधर हवन होतिया। अब आगे यहीं से वीडियो आगे का स्टार्ट तो पूरा अंत तो देखिए मजा खूब आई का। नमस्कार दोस्तों और बताइए आप सब कैसे हैं। तो भैया लोगन आज निशा जी का जो मतलब 9 दिन का नवरात्रम था सो आज उसकी हवन वन हो रही है। तो हम लोग आए हैं कि आजमगढ़ के आजमगढ़ में पता है मंदिर में फिलहाल कर रहे हैं क्योंकि अभी नया नया रूम देखे थे आप लोग लिए थे वहाँ पर सारी व्यवस्था नहीं हो पाई इसीलिए वजह से हमें मंदिर में करना पड़ रहा है। फिलहाल कोई बात नहीं माता जी की कृपया और आप सबके प्यार दुलार आशीर्वाद रहेगा तो सब कुछ ठीक ही ठाक होगा। फिलहाल अभी इधर में निशा जी हैं जो मतलब फिलहाल हवन कर रही हैं तो हम लोग चलते हैं आप लोग की दिखाते हैं बैक कैमरा करके। अब भैया लोगन देखा यार होती है हवन जवन की बहुत सारे मेहरारू देखत बाड़ा जैसे की बैठल बाटे और निशा जी ओकरे बीच में बैठल बाटे और ओकरे बाद देख ला यार के पूरा नज़ारा जितना पूरा पब्लिक बा यहाँ पर फिलहाल। इधर में देखा निशा बैठे उन्हें लौकती ना ही का करवा इतना जनता जुटल है ना फिलहाल यही कोजा से देखा बैठ के अपन हवन करा थे और बहुत अच्छे से कुल कार्यक्रम होता माता जी का शुरू शुरू में जाना था तकलीफ भई ला लिया किंतु ओकरे बाद धीरे धीरे कुल ठीक हो जाता है कैसे माता जी का कृपा है कोनो दिक्कत ना है फिलहाल। और यार पंडित जी बाटा देखा बैठ के पोथी पत्रा प्रार्थना है और यार कन्या सारी खा रही हैं जितने भी हैं इधर में अब जानते हैं कि मंदिर में बहुत सारी कन्या रहती हैं तो इसीलिए सभी लोग खा रहे हैं इधर में। और फिर आप लोग इधर में देखिए लगता है कि हाँ अब लगता है कि हवन हो चुकी है पूरी क्योंकि बहुत देरी से हो रही थी हवन हम आपको आप सभी को दिखा नहीं पाए हैं। फिलहाल जो भी है अभी देखिए हवन हो चुकी है अब सभी लोग उठेंगे और उधर में जो कन्या रहेंगे कन्या लोग को सबको खिलाएंगे। क्या करें ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ना अभी निशा जी देखिए उधर से चली आई हैं तो अभी देखिए इधर में हमको ही बुला रही हैं निशा जी हमारा ही वेट कर रही हैं अभी देखिए हाँ अभी देखिए बुलाए हमें अब आ रहे हैं इनके पास अब इनको देंगे सोलह सिस्टम जो हुआ था मतलब जो जो ले गई थी खिलाने के लिए फिलहाल। तो अभी देखिए ओ सामने में देखे सब बैठी हुई हैं आप धीरे धीरे देखिए इधर में पहले पट्टी बांध रही हैं सबको और उसके बाद अब जो जो सामान देना रहेगा उन सभी को दे देंगी और उनका जो रहेगा क्या करें भैया लोग सब बहुत अच्छे से होता किंतु थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के वजह से ऐसा सब कुछ करना पड़ रहा है नहीं तो भगवान के दुआ से और आप सबकी कृपा से सब कुछ तो ठीक ही था फिलहाल। अब इधर में देखिए पैसा ली अब सबको मतलब पट्टी बांध के जो रहेगा उनके पास सब दे के पैसा वैसा दे के सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा ठीक है। और देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी कन्याएं फिलहाल बैठी हुई हैं पारी पारा करके सभी को मतलब बांध रही हैं और बहुत देखने में एक्चुअली जानते हैं बहुत सुंदर ही लग रहा था क्योंकि ऐसा नज़ारा बार बार तो देखने के लिए मिलता नहीं है एक ही बार मिलता है साल भर में। और देखिए इधर में है एक जी जो टीका लगा रही हैं सभी कन्या के और इधर में सबको मतलब दे रही हैं फल फ्रूट जो भी देना था। ठीक भैया लोग ना अभी इधर में पैसा दे रही हैं ये बस क्या करें आप लोग का प्यार दुलार आशीर्वाद ऐसे मिलते रहें तो बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया होता किंतु जो भी है बस आप सब का प्यार दुलार मिला है उसी आशीर्वाद से सब कुछ किया गया है किंतु फिलहाल जो भी ठीक है इधर में देख सकते हैं बहुत सारे लोग फिलहाल बैठे हैं और कितने मस्ती जानते हैं सुबह से यहाँ पर कितने लोग आए कितने लोग दिए कितने लोग खाए और सभी लोग देख रहे हैं एक दो सबकी एक दो पोटली बन चुकी है फिलहाल। जो कि आप देख सकते हैं इधर में सभी को हो चुका है टीका लगा चुके थे निशा जी इसलिए सभी टीका दे रहे हैं। अब इधर में देखे छोटी थी कितनी प्यारी सी बच्ची है फिलहाल इनको हम बांध रही हैं सामने में फेस नहीं क्योंकि जानते हैं उधर में सारी लेडीज थी और हम लोग अंदर मतलब नहीं जाए थे इसलिए बाहर ही खड़े थे फिलहाल।
चलिए थोड़ा सा अभी फास्ट फॉरवर्ड नहीं करते हैं, जो है सो रियल में आप देखते जाइए। देखने में वैसे सुंदर लग रहा है कि मैं पारी पारी करके सभी बच्चियों को बांध रही हैं। अभी देखिए दे रही हैं केला, तो बच्ची हंस रही है फिलहाल। देखो पैसा दे रही है किंतु जान ही रही है, हाथ में थाम ली, हाथ में थाम ली सभी बच्ची है पैसा। भैया लोगन वीडियो अगर यहाँ तक का देखे होगा तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखा जाए इधर में दूसरे एंगल से, और कितने प्यारे प्यारे सभी लोग फिलहाल लग रहे हैं। माता जी की सब कृपा है, और निशा जी का भी आज पूरा जो रहेगा फाइनल हो जाएगा। भैया लोगन फाइनली सब कुछ हो गया, बहुत अच्छे से दिक्कत परेशानी ना भाई ना। नहीं दिक्कत परेशानी ना भाई लाए, लेकिन शुरू में दिक्कत परेशानी है कई आना बहुत ज्यादा है। क्या कर भैया लोग अंदर की दिमकवा डिस्टर्ब होती है ना। तो ठीक है फिलहाल वीडियो यहाँ तक तो हो बात, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खाते हैं। ओके बाय बाय, जय माता दी, जय माता।